नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 680वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी कैसे आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ते समय दिक्कत होती है, परेशानी होती है, समझ में नहीं आता कि कभी इस तरह से कभी उस तरह से उच्चारण हो जा रहा है, कभी ए का कहीं कुछ या ई आई ओ यू का कुछ कुछ हो जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स की बात करूंगा जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अल्फ़ाबेट के बारे में और वर्णमाला के बारे में, तो अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं? लोग से पहले यही सवाल है आप लोग से, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो 26 लेटर होते हैं ए बी सी डी के जेड तक, उसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसमें ए ई आई ओ और यू। जी हाँ दोस्तों, ये पांच जो है हमारा पांच जो है ये भॉवेल है, और यही भॉवेल जो है आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने दे रहा है। यानी अंग्रेजी नहीं पढ़ने का मेन रीज़न यही है क्योंकि इसका उच्चारण ही लोग नहीं जान पाते हैं। ये तो पहला रीज़न है। दूसरा बात है कि बहुत सारे लोग जो है कॉन्सोनेंट के बारे में भी नहीं जानते कि कॉन्सोनेंट को क्या बोला जाता है। कुछ मैक्सिमम जानते भी हैं लेकिन कुछ जो है स्पेशल यानी एक्सेप्शन में वो नहीं जानते, तो मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले इस पर कि आगे बढ़े वीडियो में वर्णमाला पे आ जाते हैं, हिंदी व्याकरण पे आते हैं। तो वर्णमाला जैसे कि अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी जेड जो है ना, इसके अंदर दो पार्ट हो गए, अल्फ़ाबेट के दो पार्ट हो गए, वॉवेल दूसरा कॉन्सोनेंट। लेकिन वर्णमाला में दो पार्ट हैं लेकिन सब स्वतंत्र हैं। देखिए सीधा, जैसे कि वर्णमाला के अंदर सीधा 14 स्वर होते हैं और व्यंजन 36 होते हैं। इसका इंग्लिश भी आपको याद करना होगा कि स्वर का अंग्रेजी क्या होता है, व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है, दोनों का संयोग बहुत ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपसे इस वीडियो में स्वर पे बात करूंगा कि स्वर किसे कहते हैं, बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप नहीं पढ़ पाएंगे, स्वर का अगर आप जानेंगे, व्यंजन का अंग्रेजी जानेंगे, तभी आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। अगर कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी वाले जब नाम आते हैं, हिंदी वाले कोई वर्ड्स आते हैं तो आप इजीली पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे। तो चलिए उस पर आते हैं, सबसे पहले वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट स्वर पर। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, और ये स्वर की संख्या 14 है। तो अ को क्या बोला जाता है? तो अ को ए बोला जाता है, आ को डबल ए या ज़्यादातर ए का इस्तेमाल होता है सिंगल का, ई यानी ह्रस्व को आई, ई बड़ी ई को यानी कि दीर्घ ई को डबल ई, ऊ को यू बड़ी ऊ को डबल ओ, री को आ री और आ डबल ई को बड़ी री, यानी ये ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व छोटा दीर्घ बड़ा। अब देखिए ए ए जो है ए का क्या होगा अंग्रेजी? ई, आय का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, आ का ए एच। तो ये जो तीन जो है तो बहुत ही मुश्किल से लोग याद रख पाते हैं, इसी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसका यूज अगर आप व्यंजन के साथ करने लगेंगे तो वाकई में कमाल हो जाएगा, कोई भी अंग्रेजी कोई भी हिंदी वाले शब्द को अंग्रेजी आप कर पाएंगे, यानी नाम पता कुछ भी लिख पाएंगे। मान लीजिए लिखना है शंकर, ठीक है, शंकर शंकर भोले, तो शंकर ही मान लीजिए लिखना है, तो शंकर कैसे लिखेंगे? यहाँ जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो कुछ लोग को आता भी है और लेकिन कभी कभी क्या होता है इसका यूज़ नहीं आता है, वर्ड स्वर का यानी स्वर के अंग्रेजी का। तो ये शंकर तो लिखा हुआ है लेकिन अंग्रेजी कैसे? तो एस एच से उगता श, और ए अन, ये जो बिंदी है बिंदी के लिए अन का प्रयोग किया जाता है, अन, तो ए एन, यहाँ तो ए एन से होता है सन, के से क और क में मिल जाता अ ए और र। हालांकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा कि ए क्यों लगा दिया कभी, तो मैं आगे ये जो है स्वर के बाद व्यंजन के बारे में बताता हुआ, तो यह शंकर लिख दिया गया इस तरह से शंकर। तो ये तरीका है, तो आप इसे यूज़ करिए, अच्छे से लिखिए, समझिए, याद रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों व्यंजन पे आते हैं, व्यंजन का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन स्वर का कर पाते हैं। तो व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है, तो स्वर समझ गए होंगे कौन कौन है, ये स्वर 14 है, कोई भी एक व्यंजन का कोई भी 14 में से एक स्वर जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाता है एक अक्षर। जी हाँ दोस्तों, क्या बनता है? अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में जो है अक्षर को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? एक शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? शब्द। अक्षर में अक्षर को जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अपना जो है जितना होता है उतना ही याद रखें, लेकिन याद रखें ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। जीवन में अगर आगे कुछ करना है तो पहले जो है संचय करते चले, है ना, संचय करें, उसको अस्थायित्व दे, यानी अपने दिमाग में ये जो व्यंजन है या स्वर है इसको अस्थायित्व दे। जीवन ऐसे ही चलता है, आगे बढ़ता है, तो इसी तरह से आप व्यंजन स्वर का भी यूज़ करना सीख जाएंगे। अब देखिए क का अब क नहीं पे, जैसे मैंने बोला शंकर, शंकर कैसे लिखा गया, तो श, अब ये श यहाँ से उठा लिया गया, श प्लस अन, अन तो वहाँ से लिया गया शं, है ना, अन शं, क क देखिए यहाँ से ले लेते हैं क प्लस अ प्लस र जो है र यहाँ से ले लेते हैं प्लस अ, है ना, ये र है प्लस अ, तो ये हमारा लिखा गया शंकर। क्या लिखा गया? शंकर, छोटा सा लेकिन इसका अगर जाहिर सी बात है ये जो है दोस्तों संधि करने पर ये शंकर छोटा सा हो गया, जबकि विच्छेद इतना बड़ा हो गया, समझ सकते हैं आप। तो इसी वजह से अब अंग्रेजी जब जाहिर सी बात है ऐसे ही लिखेंगे, जैसे एस एच से यहाँ पर श, अन के लिए एन जोड़ देंगे, के से क होता है, अ का ए, आर का आर, अवा का यहाँ लास्ट में कुछ नहीं लिखा था, शंकर इस तरह से होता है। तो याद रखिए इसको, अगर नहीं याद रखेंगे तो वाक्य में दिक्कत होगा, क्योंकि व्यंजन में जब स्वर मिलेगा तभी अक्षर बनेगा। जब उस व्यंजन का अंग्रेजी जो होता है, जो भी होता है उसमें जब स्वर का अंग्रेजी मिलाएंगे तभी आप कुछ लिख पाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी आप पढ़ पाएंगे। तो जरूरी है दोनों, व्यंजन और स्वर। तो क से के होता है, ख से केच, घ से जी, घ से जी एच, एन जी से अंग, तो ये जो है दोस्तों लोग भूल जाते हैं। च से सी एच, छ से सी डबल एच, है ना, ज से जे, झ से जे एच, ई से वाई एन, ये भी लोग भूलते हैं, याद नहीं रहता है। अब देखिए ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और एन से न से एन, प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, और म का एम, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी डब्ल्यू, तालाब शक एस एच, धन शक मूर्धन्य शक एस एच, धन शक एस, ह का एच, अक्ष का एस एच, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। तो ये है दोस्तों लोग जो है इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, दो व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन। तो ये था दोस्तों, दोनों का यूज करना सीख सकते हैं आप, किसी का व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ये आपके व्यवहारिक ज़िंदगी में बहुत ही काम का चीज़ है, हालांकि व्यंजन तो आपको पहले से है, स्वर आपको पहले से ही पता होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में, तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये तो आपको पता है। अल्फ़ाबेट से आप ए, ई, आई और ओ, यू, ये पाँच जो लेटर्स है हमारे अल्फ़ाबेट से हटा देंगे तो जो बचेगा जो भी लेटर्स वो सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बी को क्या बोलते हैं, तो बी का उच्चारण ब होता है, सी का क श होता है, डी का ड द होता है। अब देखिए एक्सेप्शन की बात मैंने कहा था शुरू में कि भाई कुछ एक्सेप्शन होता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। अब डी को ज बोलते हैं ये लोग नहीं जानते, फ को एफ बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज बोलते हैं, तो ज देखिए दो जगह हो गया, एच को ह बोलते हैं, उसके बाद दोस्तों जे को ज, तीन जगह ज हो गया, के को क, तो सी से भी क होता है, क से भी क होता है, एल से ल, एम से म, एन से नाना, है ना, ना भी और ना भी, पी से प होता है, उसके बाद दोस्तों क्यू से क्यू, आर से रड, एस से स, और ज भी होता है। तो ज का इस्तेमाल चार जगह होता है, टी से टता तो होता ही है, च और स भी होता है। अब ये च स कहाँ होता है दोस्तों, च स वाले मैं बताता हूँ, जैसे टी यू आर यू को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। तो लिख लीजिए ये हमेशा किसी न किसी वर्ड के साथ किसी वर्ड के अंत में आता है, तो अगर एक साथ पढ़ लेंगे तो ये जब भी चार लेटर तो आप उस वर्ड मीनिंग की ईजिली पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये है सी एल और इधर है शन। ठीक है, शन तो याद रखना बहुत जरूरी है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, सफिक्स पार्ट्स वर्ड है, चर, चुअल, शन, शियल। अब देखिए अगर एक वर्ड्स ले लेते हैं, वर्ड है पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी, पेशेंट। अब बताइए यहाँ श कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा,
कहा कि क्योंकि दोस्तों सौ के लिए तो एस लिखेंगे या तालाब सक ले सच लिखेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये क्यों यहाँ पेशेंट क्यों पढ़ा गया? तो टी आई को जो है उच्चारण स के रूप में होता है, ठीक है, स के रूप में होता है, याद रखिए। टी यू का उच्चारण च के रूप में होता है। वर्ड बनेगा चर से फर्नीचर, नेचर, चुअल से एक्चुअल, सन से कंडीशन, सीएल से कॉन्फिडेंशियल। अब आगे बढ़ते हैं, भी को वह बोलते हैं, डब्ल्यू को भी वह बोलते हैं, उसके बाद तो कि एक्स को एक्स बोलते हैं, और लेकिन एक्स जो है दोस्तों ई एक्स करके ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, तो सिर्फ एक्स से नहीं होगा, ई एक्स को भी एक्स ही बोलेंगे, इसके लिए अलग से ई नहीं बोलेंगे, ई एक्स नहीं, एक्स पढ़ेंगे। वाई को या जेड को ज झ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट के बाद। देखिए भॉवेल का उच्चारण आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप कुछ भी पढ़ना सीख पाएंगे। जैसे ए का उच्चारण क्या होता है, तो ए का उच्चारण तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि तो ए ही तो होता है, ए तो बोल ही रहे ना, लेकिन अ आ ए जब भी कोई वर्ड मीनिंग आता है तो सिर्फ आपका दिमाग सिर्फ ए पे जाता है, क्योंकि ए ही लिखा है, अ आ आर आई पे नहीं जाता है, इसी वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे। दूसरा बात, इसमें देखिए इसमें क्या होता है ई का उच्चारण, तो ई का उच्चारण सिर्फ जो है दोस्तों ई ई पे जब हम लोग कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो ई पे ही जाता है कि भाई ई है तो ई पढ़ेंगे, लेकिन अ आ और ए पे तो नहीं जाता। आई का उच्चारण जब करते हैं तो आई को सिर्फ कोई भी वर्ड मीनिंग में जब आई देखते हैं तो आई ही उच्चारण कर देते हैं, अ आ ई और ई उच्चारण तो करते नहीं है, ये भी हो सकता है। या ओ वाला देखिए, तो ओ का जब कोई वर्ड मीनिंग में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे उच्चारण तो करते हैं ओ ही, कुछ लोग वर्ड्स जानते हैं इसलिए बोल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिमाग में आता है ओ, यानी ये तो नहीं करते हैं अ आ ओ। यू वाला, यू को क्या बोलते हैं, ई यू, लेकिन इसका उच्चारण जब वर्ड मीनिंग में ये नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए डबल ओ वाला वर्ड मीनिंग देखिए, तो इसमें डबल ओ को क्या बोलते हैं, डबल ओ को ऊ बोलते हैं, तो अ आ ओ और ओ तो भूल जाते हैं ना। अब एक वर्ड ले लेते हैं रिमेम्बर का, री है ना, एम ई एम मेम, और बी ई आर को बर बोलते हैं, इसमें तीन ई, एक दो तीन ई है। पहला ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। कैसे लिखेंगे रिमेम्बर पढ़ेंगे, री मेम, री मेम बर, बी यू आर ई को बोलते हैं बर, रिमेम्बर है ना। तो एक ई, एक वर्ड मीनिंग में एक ई तीन तरह से बोला गया, एक तो पहला छोटी के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में, तीसरा जो आ के रूप में, रिमेम्बर। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग पढ़ने होंगे आपको, मैं अभी टेस्ट के को भी लेकर चलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है देखने को मिलेगा, तो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे वो हमारे साथ वर्ड मीनिंग पढ़ें, ताकि एक 60 प्लस वर्ड एक बार पढ़ लें। उच्चारण करना बहुत जरूरी है, या आप सुनिए नहीं उच्चारण कर पाते तो मैं सलाह दूंगा कि आप उच्चारण करिए। क्या लिखा हुआ, ग्रेव्ड, कैसे पढ़ेंगे बाद में मैं बात करूँगा। ग्रीव्स, ग्रीसाइज, ग्रीन, ग्रेंड, ग्रीनर, ग्रीनी, ग्रीनली, ग्रेंथ और ग्रीटेड। फिर देखिए ग्रीटर, नेक्स्ट है ग्रीगेज, ग्रीशेन, ग्रेमियल, ग्रेमलिन, ग्रेमलिन है ना, ग्रेमी, ग्रेनेड, ग्रेस्ट, ग्रेहेन, ग्रैंड, अब देख ग्रांटी है ना, ग्रांटर, ग्रांटर हो गया, यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रांटर, ग्रैंटर। उसके बाद देखिए ग्रैन्यूअल, ग्रैपरी, ग्रैफेड, फिर देखिए ग्राफिक, ये ग्रैब्ड हो गया, ग्रैब्ड, ग्रैप्ड, ग्राफिक, ग्रैब, ग्राफिक, ग्रैपिया, ग्रैपलिन, ग्रैपनल, फिर देखिए ग्रैपाज, ग्रैपल है ना, ग्रैपल, जैसे ए डबल पी एल को एप्पल बोलते हैं तो बात होगा आगे, तो ग्रैपल हो गया, ग्रास्ड, ग्रास्ड, ग्रास्पर। नेक्स्ट देखिए, तो ये है सो ग्रेइस, ग्रेलग, ग्रे आउट, ग्रेजर्स, ग्रेजियर, ग्रेजिंग, ग्रीज्ड, ग्रीजर, ग्रीजेज, ग्रेटेड, ग्रेटर। अब देखिए ग्रेवली, ग्रेवर्स, ग्रेवेस्ट, ग्रेविडा, ग्रेवीज, ग्रेविंग, ग्रेविटी, ग्रैबलैक्स है ना, तो ग्रेविटी, ग्रैबलैक्स, ग्रेवर, ग्रेस्ट, ग्रेइंग। नेक्स्ट है ग्रास्ड, ग्रासेस, ग्रैटर, ग्रैटर्स हो गया, ग्रैटिफाई, ग्रैटिन,
ग्रेटाइन, ग्रेटिंग, ग्रेटिंस, ग्राउपल, ग्रे, ग्रेवल्स, ग्रेवल्स और ग्रेटली, ग्रेइंग। तो ये है दोस्तों जो कि आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ, और मैं बताऊंगा कैसे आगे पढ़कर तोड़ के पढ़ा जाता है, कहाँ से क्या वर्ड लेना है, इजी आप पढ़ पाएंगे। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो उम्मीद से इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप के, जहाँ दोस्तों 865 प्लस वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है जितना आप ये वीडियो लेट से देख रहे होंगे, जहाँ आपको रीडिंग मान लीजिए नहीं करने आता, अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो इतने वीडियोज़ हैं कि आप पढ़ना 100% सीखेंगे। लिखना है ग्रामेटिकल, बिल्कुल भी ग्रामेटिकल, व्याकरण के अनुसार तो भी सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं। और ग्रामर के रूल रेगुलेशन को आपके जो है रूल है उसको याद करने की जरूरत नहीं, याद करने के झंझट ही मैंने दूर किया है, और सिर्फ लिखना है, लिखते लिखते बोलना। तो पहले पढ़ना सीख जाएंगे, फिर लिखेंगे तो बोल बोल के लिखेंगे, जिससे कि बोलना भी आ जाएगा, यानी कि स्पोकन भी अब काम करेगा इसमें। अब देखिए, सब कुछ सीखेंगे विधि से सुनना, तो ग्रामर से बुक करना ही, डिक्शनरी लेना है, तो डिक्शनरी के डेली यूज वाले वर्ड्स, अब लाखों वर्ड्स की जरूरत नहीं है, दो चार पाँच हर वर्ड भी अगर याद कर लेते तो आप विद्वान की श्रेणी में आ जाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है बहुत। अब पाँच हर वर्ड कौन याद कर पाता है अंग्रेजी के। तो चलिए, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं दोस्तों, और चलिए सब कॉपी पर लिखेंगे तो अभी आपको फ़ायदा होगा। जी हाँ, कॉपी बनाइए ज़रूर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को देखने के बाद मैं कुछ इसमें टिप्स बताऊंगा, ये टिप्स होगा कि आप कैसे शॉर्टकट बहुत ही जल्दी में अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि जब कोई वर्ड होता है, कोई अंग्रेजी का वर्ड है, तो उस वर्ड में कुछ ऐसे पार्ट जो कि बार बार दूसरे वर्ड के साथ भी आते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स को अगर पहचान लेते हैं तो जब दूसरे पार्ट्स में यही पार्ट, दूसरे वर्ड में यही पार्ट आएंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे आप। तो उसको मैं सर्कल करूँगा, आप देखेंगे तो कुछ सफिक्स, कुछ प्रीफिक्स और कुछ वॉवल्स के थ्रू में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से। और ये देख, टेक्स्ट जो एनसीईआरटी के बुक से लिया है मैंने, सोशल साइंस के जो टेक्स्ट है, और बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता हो, तो वर्ड्स भी स्टैंडर्ड ही आएंगे, इस तरह का वर्ड रोज़ ईजिली हमारे जीवन में भी इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, ए वाई यहाँ पर है, ए डी लग गए तो डे, अगर मान लीजिए एस रहता ए वाई तो क्या होता है, से अगर एस के पहले रहता पी, पी ए वाई पे, रहता डब्लू तो वे, रहता जी तो गे, रहता एल तो रे, रहता आर, आर ए वाई तो रे, कई वर्ड बन जाते हैं वाई से। तो ये हमारा है सफिक्स वर्ड, तो टी ओ टू डे, द रेल वेज आ गया ना, वेज यहाँ पर देखिए वे आ गया, हैव वी कम, वो का उच्चारण यहाँ पर आके रूप में हुआ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर, देखिए टी आई उनको सन बोलते हैं, एल को ऑल बोलते हैं, तो नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांस, देखिए ट्रांसपोर्ट, पोर्ट टुगेदर, टुगेदर ई आर को बोलते हैं आर, टुगेदर हाउ एवर, ई आर को यहाँ भी आर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया एवर, तो हाउ एवर, हाउ एवर रेल ट्रांसपोर्ट, एस यू को सब बोलते हैं, यू को यहाँ पर आ के रूप में चालू हुआ तो एस यू से स हो गया, फर सफर्स फ्रॉम ई आर को बोलते हैं, सी लगा सर, स टेन, ए एन को एन बोलते हैं, ए एन से भी बहुत थोड़ा वर्ड बनता है, जैसे आर ए आई एन रेन, पी शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर आर की जगह तो पेन, एल कर देते लेन गेन, है ना, बहुत सारा वर्ड बनते हैं, यहाँ टेन है, स टेन, प्रॉब प्रॉब्लम्स एज वेल, मेनी पैसन ई एन को एन बोलते हैं और जी ई आर को बोलते हैं, जी जी को यहाँ जी बोला गया है, पैसेंजर्स ट्रैवल, ए के बाद ई आया है उच्चारण ट्रैवल हुआ, क्योंकि एक के बाद ई जैसे ही आएगा तो एक उच्चारण सिर्फ एक ही होता है, ट्रेवल विद आउट, टिकट्स थेफ्ट एंड डैमेजिंग, डैमेजिंग आई एन जो कहीं बोलते हैं, डी जी को यहाँ जी बोला पढ़ा गया है, ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट इट स्टॉप्ड, स्टॉप्ड कम कम्प्लीटली, पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दिस काउजेज हैवी डैमेज, डै हो गया, ए के बाद ई आया,
तो एक वचन एक हो के रूप में, वहाँ ऐसे भी ए जी ई को एज पढ़ लीजिए, बहुत सारे वहाँ एज में है ना, एज टी में लगा टेज, वी में लगा वेज, एडवांटेज है ना टी के साथ, बहुत सारा एज आ जाएगा हर एक वर्ड में ये मिलेगा देखने पे। तो टू द रेलवे थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द सी शेड्यूल्ड है ना टाइम पाइप पाइप लाइन, देखिए पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू ई डब्ल्यू के यू बोलते थे, न्यू हो गया, फ्यू हो गया, बहुत सारा वर्ड बढ़ जाता है। अराइवल अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, मैप ऑफ इंडिया इन द पास्ट दी जिसको यहाँ पर जब बोला गया है वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज, आइए इसको इज बोलते हैं तो सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग आई एन जी को इंग बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल, चर बोलते हैं चर के साथ अर लगा तो नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फेल टू रिफाइनरीज, आई एस पी जो बोलते हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, आई एस पी जो बोलते हैं फैक्ट्रीज एंड विक थर्मल पावर प्लांट्स। तो दोस्तों इस तरह से आप वर्ड किसी भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, अब जो सर्कल उसको याद रखिए, ध्यान रखिए और रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और देखिए दूसरा जो वर्ड्स को जो टेक्स्ट को कैसे पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ने में आपको इजी लग रहा है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे वर्ड को तोड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से तोड़ा जाता है या क्या उसमें कॉमन बात है। जैसे ई ए कहीं भी मिल जाए तो बड़ी कार की मात्रा समझ लीजिए है ना, बड़ी तो ग्रीव्ड है ना, ई डी को ऐसे भी एड बोलते हैं, वी कैसा लगता है ग्रिप्ड हो गया, ग्रीव्स ग्री साइज, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ, देखिए आई ग्री ग्री ग्रेसाइज ग्रीन ग्रीनड है ना, ई डी लग गया अभी, ग्रीनर ई आर को और बोलते हैं लगा तो नर हो गया ग्रीनर, ग्रीनी आई को ग्रीनी, ग्रीन ली है ना ग्रीन के साथ एल वाई लगा तो ग्रीन ली हो गया, ग्रीनथ उसके बाद ग्रीटेड ग्रीटेड टी डी को बोलते हैं टेड तो ग्रीटेड टेड को याद रखिएगा या ई आर को याद रखिएगा टी लगा टर हो गया ग्रीटर, नेक्स्ट है ग्रीगेज ग्रीशेन, नेक्स्ट ग्रेमियल ई आई एल को अल बोलते हैं तो ई एल हो गया तो ग्रेमियल हो गया हमके साथ, ग्रेमलिन ग्रेमी है ना, ग्रेनेड एक के बाद ई आ गया तो ए का उच्चारण एक रूप में हो गया, ई का अ के रूप में हो गया, ग्रेनेड ग्रेस्ट ईस्ट को एस्ट बोलते हैं ग्रेस्ट, ग्रेहेन ई एन को एन बोलते हैं चला हेन ग्रेहेन, ग्रांटी है ना बड़ी ये हो गया, ग्रांटर ई आर को बोलते हैं ग्रांटर और ये ग्रांटर ठीक है, यहाँ भी ग्रांटर ही पढ़ेंगे तो ग्रांटर या ग्रांटर, तो खैर ग्रांटर याद रखिए क्योंकि ओ का उच्चारण भी या ओ आर का उच्चारण अर्क रूप में होता है। नेक्स्ट देखिए ग्रैनुअल है ना ग्रैनुअल ग्रैपरी, नेक्स्ट है ग्रैफेड ग्राफिक है ना ग्राफिक ग्रैपियर ई आर ग्रैपियर ग्रैपलिन ग्रैपनल है ना ग्रैपनल ग्रैप ग्रैपाज ग्रैपल है ना ग्रैपल, जैसे एप्पल के पहले जी आर लग गया तो ग्रैपल हो गया, ग्रास ग्रैस्ब ग्रैस्पर ई आर पर बोलते पी लगा तो पर ग्रैस्पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों तो ये है ग्रेस ग्रे लग ग्रे आउट ग्रेजर ई आर पर बोलते हैं जेड लगा जर ग्रेजर्स ग्रेजियर ग्रेजिंग आई एन जी बोलते हैं ग्रेजिंग। नेक्स्ट है ग्रीज ग्रीज एच पे जब बोला गया यहाँ पर आई एन जी को देखिए ग्रेज ग्रे 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 सब में है ना यहाँ ग्री हो गया यहाँ ग्रे है था यहाँ ग्री था ग्रेस ग्रेस यहाँ हो जाए ग्रेस ठीक है ग्रे इस ग्रेस ग्रीस के बाद देखिए ग्रीजर ई आर कौर बोलते हैं इसलिए ग्रीजर ग्रीजेज
ग्रेटेन ग्रीटेन ग्रीटेन पढ़िए है ना, ग्रेटेन लेकिन ज़्यादा ग्रेटेन करेक्ट है, ग्रेटेन ग्रेटर ग्रेट ग्रेटेन ग्रेटर यार कौन बोलते हैं तो ग्रेटन ग्रेटर। नेक्स्ट है ग्रेवली ग्रेवर्स ग्रेवेस्ट ई एस टी को एस्ट याद रखिए, ग्रेविडा ग्रेवीज आई एस पी बोलिए ग्रेवीज, ग्रेविंग आई एनजी बोलेंगे ग्रेविंग हो गया, ग्रेविटी ग्रेब्लैक्स ग्रेवर है ना यू वी यू आर ई को वर बोलते हैं, ग्रेएस्ट ग्रेइंग दूसरा देखिए ग्रास्ड। नेक्स्ट है ग्रासेस ग्रैटस ग्रैटिफाई है ना ग्रैटिफाई तो ई आर को याद रखिएगा, ई एस को ई डी को याद रखिएगा, ग्रेटाइन फिर ग्रैटिंग ग्रैंस ग्रे यहाँ टी छूट गया है तो ग्रैटेंस हो गया ये भी, ग्राउपल और ये है ग्रेवल्स। नेक्स्ट है ग्रेट ग्रेटली ग्रेट देखिए ये है बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, ग्रेवल्स 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 यहाँ ग्रेवल्स हो जाएगा ग्रेवल्स, और ये है ग्रेटली ग्रेट ग्रेट और इसमें एल वाई जुड़ गया ग्रेटली हो गया। नेक्स्ट है ग्रेइंग दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, एक्चुअली वर्ड को पढ़ सकते हैं, क्या क्या सावधान रखना है तो करना है आपको। यहाँ इस टेक्स्ट के लिए यही है कि मोबाइल को दूर रखिए, वीडियो को प्रीवियस में डालिए और मैंने बैक कीजिए और दो चार वर्ड मीनिंग देखिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए, अगर लिख लेते हैं दो चार पाँच वर्ड करेक्ट मिला लीजिएगा स्क्रीन शॉट के थ्रू तो लगेगा वाकई में आपने कुछ सीख लिया है, क्योंकि जब स्पेलिंग लिख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ भी पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए भौवल, अब भौवल का उच्चारण कैसे कैसे याद रहेगा ये मैं बताता हूँ। तो सभी भौवल में तो एक तो अ आ तो आएगा ही, उसके बाद ई है आई में जो है ई बढ़ा दीजिए तो पांच में से चार ये हो गया, और देखिए ओ यू ऊ ऊ में यानी चार में से तीन तीन यहाँ हो गया, ये कॉमन मैंने बता दिया है ताकि आप ध्यान से अच्छे से ध्यान रखा है। दूसरी बात कि जब आप वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए पुराने पुराने वर्ड लीजिएगा, जैसे मैंने ए ई आई ओ यू डबल ओ से लिया है, आपको क्या करना है कि वर्ड याद कर लीजिए भौवल का उच्चारण या फिर लिख कर उसका कोई वर्ड जो जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हो तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपने सही क्या पढ़ा, आपने तो क्या पढ़ा ये पता चलेगा, और वही चीज़ आप जो है नए वाले में जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो चीज़ दूर कर लेंगे समस्या को। तो ए जो है ए का उच्चारण कंपनी में क्या हुआ, तो कंपनी वर्ड में ए का उच्चारण हुआ अ, सॉल्ट में क्या बोला गया भाई सॉल्ट में का उच्चारण हुआ आ, न किया न की ए न किया है, केयर में का उच्चारण क्या किया गया सिर्फ ए का उच्चारण किया केयर, मैप में का उच्चारण क्या किया गया ऐ के रूप में किया गया मैप है ना, परफेक्ट में दो ई है पहला ई का उच्चारण आ हुआ दूसरा ई का जो उच्चारण है तो वो ए के रूप में हुआ, प्रीफिक्स में ई है छोटी भी मानते हैं लोग बड़ी भी मानते हैं लिखने से तो ये छोटी ई आएगा, और टेन में ई का उच्चारण जो ए के रूप में हुआ, अब आई वाला देखिए एस आई आर सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, फिग में आई का उच्चारण दोस्तों छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में, यहाँ मात्रा में लिखा इस तरफ, एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण क्या कहा गया ओ को आ कहा गया, क्या बोलते हैं शन नो कि नहीं कि सोन, ये सब पता ही आपको, एस ओ यू टी आउट को क्या पढ़ाता है तो आउट, मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है ओ, लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है ओ, ये सब वर्ड मीनिंग ऐसे वर्ड मीनिंग देखिए जो वर्ड जो कि पहले से आपको उच्चारण करने आ रहे हों, यू वाला देखिए ए बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ बट, जबकि पी यू टी पट नहीं होता पुट होता है, ऊ का उच्चारण क्या हो गया ऊ हो गया, टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ ई यू, अब देखिए डबल ओ वाला में तो एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ दोस्तों तो अ हुआ, एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो ऊ हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप हर एक वर्ड मीनिंग्स को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद 100-200 वर्ड मीनिंग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप कोई भी वर्ड मीनिंग्स को ईजी पढ़ पाएंगे, या हमारे साथ बने रहिए 100-200 वर्ड मीनिंग्स रोज़ हो ही रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ये वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी की आने वाले वीडियो के लिए, और दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा देखा ये है, जबकि प्लेलिस्ट का लिंक जो है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए
और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड कराना ना भूलें, जिसका नाम है ओमनीसेंट। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद।